हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट राउंड, जस्ट लाइक डायरेक्ट टाइप एडमिशन इन आईसर। ओके, तो यार बहुत सारे बच्चों की क्वारी थी, भैया कितनी सीटें बची है, कितनी नहीं बची, क्या हमारी सारी सीटें भर तो नहीं गई। अगर सारी सीटें भर गई है तो स्पोर्ट एडमिशन कैसे होगा, फिर क्या हमारा नहीं होगा, हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। कुछ इसका डेटा है कि नहीं है, कितनी सीटें पोर्टल ने कहाँ पे दी कहाँ पे नहीं दी, आईसर पुणे में कितनी बची है, आईसर मोहाली में कितनी बची है, तो यार कुछ पता चल जाता तो बहुत अच्छा रहता, तसल्ली मिल जाती दिल को। ठीक है, तो यार यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, जैसे आप यहाँ पे सीट अलोकेशन पे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ सीट अवेलेबल एट डिफरेंट आइसर्स विल बी अपडेटेड हियर। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ये लिस्ट आइसर्स ने जारी की है। सबसे पहले जस्ट जो भी बच्चे दुखी ना हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वारी आ रही थी, भैया एससी के अंदर तो आईसर कोलकाता में सारी की सारी सीटें भर चुकी है, अब मुझे कैसे मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं आईसर मोहाली में 1 सीट बची है। ओके, और आईसर भोपाल में भी 0 सीट है, आईसर बेरमपुर में 9 सीट पड़ी है, तो क्या मुझे एससी में तो मिलेगा भी नहीं, अब तो सारी सीटें तो बढ़ गई है, अब मुझे कैसे मिलेगा। और जस्ट अगर कोई बच्चा लेफ्ट भी क्यों करेगा, क्योंकि उसने फीस भी भर दी है, तो यार ऐसा नहीं है, ये दिस इज एन इंडिया और ये अर्थ है। ओके, यहाँ पे हर प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, तो स्पोर्ट राउंड तक डटे रहे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लेफ्ट करते हैं, ओके, ऐसा इश्यू नहीं है कि करते नहीं है, हाँ ये भी इश्यू है कि जो बच्चा फीस पे कर दी जिसने वो लेफ्ट क्यों करेगा, लेकिन फिर भी बच्चे लेफ्ट करते हैं। ओके, क्योंकि बहुत सारी काउंसलिंग सभी चल रही है, जैसे कि जेक चंडीगढ़ है और जैसे जेक दिल्ली है, जोसा चल रहा है, अभी सीए से भी स्टार्ट होगा। बहुत सारे बच्चे ये भी क्वारी कर रहे हैं, भैया मुझे जेक चंडीगढ़ के अंदर पंजाबी यूनिवर्सिटी मिल रही है, यूआईटी चंडीगढ़ मिल रही है, आईसर के अंदर जो प्लेसमेंट मिलता है उससे तो बेटर ही प्लेसमेंट होता है यूआईटी का, तो क्या हम मोहाली को छोड़ दें, क्या हम कोलकाता को छोड़ दें, आप जस्ट क्या गाइडेंस देंगे, हम कौन सा लें, आईसर लें या जस्ट पंजाबी यूनिवर्सिटी लें, यूआईटी लें, भैया मुझे जोसा में मिल रहा है, मुझे आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम मिल रहा है। ओके, मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मुझे एमबीबीएस की सीट मिल रही है, क्या एमबीबीएस की सीट लेनी चाहिए, आईसर की सीट लेनी चाहिए, आईसर में तो मैंने सुना है कि एटलीस्ट 30,000 रुपए की जॉब मिलती है, और एमबीबीएस के अंदर डॉक्टर बनेंगे, तो यार ऐसे बहुत ही ज्यादा क्वारी जा रही है, बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा इश्यू होता है बच्चों को। और आईसर के अंदर एटलीस्ट वही बच्चा पढ़ता है जिसको रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट होता है, और इंडिया के अंदर एटलीस्ट बच्चों का यही टप्पू बना हुआ है कि कम से कम 4-5 साल पढ़े और अच्छा प्लेसमेंट हो, ठीक है। तो जिन बच्चों का अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा है, जिन बच्चों को अच्छी, यहाँ पे वही बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने दिमाग के अंदर सिर्फ डाल रखा है कि मुझे रिसर्च के अंदर ही जाना है, और वही बंदा सक्सेस होता है, ठीक है, तो ये सारा इश्यू नहीं है। ओके, जैसे कि यहाँ पे मोहाली की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट में एक भी सीट नहीं है। ओके, तो एटलीस्ट 5 से 6 बच्चे अब कॉन्टेक्ट करें, भैया कश्मीरी माइग्रेंट में तो एक भी सीट नहीं है, हमने आपको काउंसलिंग के पैसे भी दे दिए, अब क्या हमें सीट नहीं मिलेगी, हमें तो सीट दिलाओ, हमें तो सीट दो, ठीक है, अब हमें कुछ नहीं पता, हमें किसी भी हाल में सीट चाहिए। अब जैसे एक बंदा, ये आप मान सकते हो आयसर भोपाल के अंदर जनरल कैटेगरी में एक भी सीट वेकेंट नहीं है, अब दो बच्चे बोलते हैं कि भैया जनरल कैटेगरी में एक भी सीट नहीं है, हमें तो सीट चाहिए। एसटी कैटेगरी में 5 सीटें हैं, यहाँ पे आयसर भोपाल में देख सकते हो ऑलमोस्ट सारी की सारी सीटें बढ़ चुकी है, अब सीटें बची कहाँ है, स्पोर्ट राउंड में कहाँ पे मिलेगी सीटें, आप बोल रहे हो कि 7-7 हजार 6-6 हजार रुपये सीट मिलती है, कैसे मिलेगी, ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन आना भी चाहिए और आ भी रहा है कि सीटें तो ऑलमोस्ट सारी भर चुकी है, तो सीट मिलेगी कहाँ। तो यार अभी बच्चे सीट मतलब लेफ्ट कर नहीं रहे शायद, लेकिन लेफ्ट करेंगे। ओके, तो जस्ट फोर्थ राउंड के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंजेस आएगा थोड़ा। अब पिछले राउंड की अगर अपन बात करें तो पिछले राउंड में कितनी कितनी सीटें थी वो भी चेक कर लो। ओके, तो पिछले राउंड में देख सकते हो आयसर मोहाली के अंदर 1 सीट थी कश्मीरी माइग्रेंट की, वो भी इस बार फिल हो गई है। ओके, तो भैया किसी ने छोड़ी तो नहीं पिछले वाले में, ओके, सिर्फ फिल ही हो रही है, छोड़ ही नहीं रहा है कोई। ओके, तो यार घबराए नहीं, ठीक है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, तुमको सीट जरूर मिलेगा, वो बहुत सारे बच्चे लेफ्ट करते हैं, यहाँ तक कि हम भी करते हैं बच्चों की लेफ्ट, जैसे कि बच्चे बोलते हैं कि हमें
नहीं मतलब नहीं लेना हमें, ठीक है, एमबीबीएस करना है, इंजीनियरिंग करना है। ओके, आयसर में बहुत सारे बच्चों की यही क्वारी होती है, भैया हमारे इंजीनियरिंग के अंदर अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, आयसर से बेटर मिलेगा। ओके, एमबीबीएस के अंदर हमारा बहुत अच्छा स्कोप लग रहा है, ठीक है, हमारा उधर इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे एटलीस्ट बहुत सारे बच्चे फीस पे भी कर देते हैं, विड्रॉल भी कर लेते हैं, तो ऐसा इश्यू चल रहा है। ओके, और अपन बात कर लेते हैं कि यार कितने तक मिल सकता है ये जो पोजिशन चल रही है अभी। जैसे यहाँ पे कुछ सीट्स आयसर बेरहमपुर के अंदर 31 सीट, जनरल कैटेगरी में है 17 सीट, ओबीसी में है, एससी के अंदर 9 सीट है, एसटी में 5 सीट है। ओके, तो यार कितने तक मिल सकता है, ठीक है, वैसे भी पिछले बार की पोजीशन देख लो। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो घबराए नहीं। ओके, और जस्ट अपने थोड़ा दिल को पागल बना के रखें। ओके, हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, अपने पेरेंट्स अपने बच्चों का जरूर ध्यान रखेंगे इस मोमेंट पे। ओके, क्योंकि बच्चे बहुत विचलित प्रकार के होते हैं, ठीक है। और आयसर तिरुवंतपुरम है, इसके अंदर भी कुछ सीट्स वैकेंट बची है अभी। ओके स्टूडेंट्स, आयसर बेरहमपुर में खूब सीटें हैं, मुझे लगता है कि आयसर बेरहमपुर किसी को भी पसंद नहीं है, ठीक है। हमारा आयसर मोहाली में भी 2 सीट बची है, जनरल वालों बच्चों के लिए, ओबीसी बच्चों के लिए 10 सीटें हैं, एससी का 1 कैंडिडेट है, एसटी के 3 कैंडिडेट है, ठीक है यार। तो अब बात कर लेते हैं यार, एटलीस्ट मैं अगर बात करूँ स्पोर्ट राउंड की, तो जनरली जो है 7-7.5 हजार तक जाता है रैंक। ओके, 7-7.5 हजार तक भी मिलता है आयसर। ओके, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं इस कैटेगरी के ऑलमोस्ट अभी चले गए, जिनके भी 5,000+ रैंक थी ना, वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है अभी। ओके, तो इस कारण जो कुछ ही बच्चे मिलते हैं तो उनको बाद में मिल जाता है, जिनके अभी जो 5-5.5 हजार रैंक है ना, वो मतलब टाइप कर गए, कोई जेक चंडीगढ़, कोई जेक दिल्ली, कोई प्राइवेट, कोई गवर्नमेंट, कोई स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो एटलीस्ट बच्चे अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। अभी जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी जो वीडियोस देख रहे हैं, ओके, वो जो एटलीस्ट 3, 3.5 तक मान सकते हो इस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। ओके, 6 कैटेगरी का कैंडिडेट एटलीस्ट ही 1-2 ही आता है कोई, कि भैया मेरे इतनी है, कमेंट में भी नहीं आता कोई, ठीक है। तो मान सकते हो कि 6, 7.5 तक भी, 7.5 तक जाता है जनरली। ओके, 7.5 से 1-2 एडमिशन अगर ऊपर भी होता है, ऊपर नीचे मान सकते हो 7.5-8 तक जनरली मिल जाता है स्पोर्ट राउंड के अंदर। क्योंकि जो बच्चे जिनके अभी मतलब बहुत ही ज्यादा रैंक है, जिनके 8 रहे 10 है, तो वो तो यहाँ पे करेंगे क्यों अपना टाइम खराब, तो वो जनरली वो पहले ही चले जाते हैं कि भैया मेरे को आयसर में नहीं मिलने वाला कुछ। तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट या जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, दौसा, सीएसएबी आगे जो होने वाला है, इसके लिए फर्दर वो चल रहे हैं अभी, और वो आयसर पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो आप मान सकते हो 7-7.5 अगर आपकी है जनरल में, तो जनरली आपको मिल जाएगा बेरहमपुर वगैरह जो भी है, तिरुपति वगैरह। और एटलीस्ट बच्चे अभी लेफ्ट करेंगे तो घबराए नहीं। ओके स्टूडेंट, बच्चे जनरली लेफ्ट करते हैं, और आज तक किया है तो यार इस बार कोई स्पेशल तो है नहीं, आज बार भी करेंगे, तो अगर तुमको शर्ट नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं, मिल जाएगी। ओके, और ठीक है।